दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं स्टेडियम में आया हुआ हूँ और जो यहाँ पे मुकाबला चल रहा है वो अंडर 16 बॉयज का मुकाबला चल रहा है स्टेट लेवल का। सभी जिलों के प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग किए थे। फाइनली इसमें दो टीम ऐसा है जो फाइनल का टिकट कटवाए हैं। एक का नाम चंपावत है और दूसरा का नाम देहरादून, यानी कि कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, ये कैपिटल ऑफ उत्तराखंड की टीम मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, इन्होंने फाइनल का टिकट कटवाए हैं और इनके सामने जो टीम रहेगा वो है चंपावत का। सारे स्टेट के प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग किए थे, सभी को पछाड़ के ये आगे बढ़े हैं, इसलिए इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने चंपावत के साथ भी उम्मीद किया था कि वही चैंपियन होंगे, इनके साथ में उम्मीद करता हूं कि चैंपियन हम ही होंगे, चैंपियन यही बनेगा। जी हां दोस्तों, मेरा यही उम्मीद है कि यही टीम चैंपियन बने, या यूं कहें तो मेरा बस चले तो इन दोनों को मैं चैंपियन साबित करना चाहूंगा, घोषित करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही परिश्रम किए हैं और लीग लेवल से फाइनल तक का सफर तय किया है, बहुत बड़ी बात है ये। आइए मिलते हैं इन सरियन खिलाड़ी से और जानते हैं इनका परिचय और कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन इनके फेवरेट हॉकी प्लेयर हैं, ये सब कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की मजाक भी बात करेंगे इनसे। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, चलते हैं सीधे। दोस्तों मेरे सामने अब कुछ ऐसे चैंपियन बच्चे हैं जो ऑलरेडी फाइनल का टिकट कटवा लिए हैं और उनका मुकाबला अब होने वाला है जो पहला फाइनलिस्ट है, यानी कि चंपावत की टीम से। जी हाँ दोस्तों, एक चंपावत की टीम फाइनल की टिकट कटवा रखी है और उनके साथ इनका अगला मुकाबला होना है इसी मैदान पे शाम के 3 बजे या अपराह्न 3 बजे आप कह सकते हैं। तो 3 बजे से फाइनल मुकाबला में जीतने के लिए मैं इनको बहुत ही बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये फाइनल का टिकट कटवा लिए हैं और फाइनल में चैंपियन भी साबित होंगे। मेरे सामने जो भी चैंपियन बच्चे हैं, मैं उन कौन से क्लास में पढ़ते हैं, उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और उन्होंने एज ए स्पोर्ट्स हॉकी को ही क्यों पसंद किए हैं, तो आइए जानते हैं सीधे इनसे इनका परिचय। दोस्त आपका नाम क्या है? अभिनंदन। अभिनंदन जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन फाइनल का टिकट कटवा लेने के लिए। उम्मीद है आप फाइनल में भी इसी तरह से एक तरफा मैच बना के जीत जाओगे, जैसे अभी आपने सेमीफाइनल में 6-0 से पराजित किया है हरिद्वार की टीम को। उम्मीद है फाइनल में भी आपकी टीम बढ़िया खेलेगी। सर आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में हूँ। 10th में आपका बोर्ड पेपर होगा 28 तारीख से, इसी महीने से बोर्ड पेपर है। तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चे के पेरेंट्स के लिए आप लोग एक बार क्लैपिंग तो जरूर कर दें यार। आखिर बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो 10th का पेपर होने के बाद भी अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं या स्पोर्ट्स में गेम खेलने के लिए भेजते हैं। मेरे तरफ से भी बिग थैंक्स टू योर पेरेंट्स। दिया सर, आप पढ़ाई के साथ हॉकी को ही क्यों चुने हैं? सर क्योंकि सर हॉकी एक फिजिक बहुत अच्छा गेम है सर, इसमें टीम स्पिरिट है, इससे हमें डिसिप्लिन मिलता है और सर इस। अच्छा आप कितने साल से हॉकी खेलते हैं बाबू? सर अभी तो मुझे सिर्फ 1.5 साल हुआ है खेलते। ये रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में आपका पहली बार आना हुआ? नहीं सर, ये दूसरी बार है, पिछले साल स्कूल स्टेट में आए थे हम लोग। उस बार का रिजल्ट क्या रहा था? सर उस वक्त हम 3rd आए थे देहरादून। बहुत खूब, बहुत बढ़िया टीम, वो टीम गेम आप बिल्कुल कहते हो, टीम गेम सिखाना या टीम में रह के काम करना हॉकी सिखाता है। और दूसरी वजह क्या है कि हॉकी ही अपना यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसलिए हॉकी को हमें तवज्जो देना ही चाहिए। वैसे मेरी निगाह में हॉकी को उतना तवज्जो नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 में से 70 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और उसके बाद भी आप हॉकी को चुने हैं, इसलिए आप को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूँ फाइनल की ट्रॉफी लेके ही आप, जी सर, आपके जो पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि 10th के बाद भी आप जाके गेम खेलो उसको सच साबित करें। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू मेरे से बात करने के लिए। जी सर। दोस्तों मेरे सामने एक और खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट का यानी कि देहरादून का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ हद तक इनको सफलता मिल भी गई क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक तरफा मैच में हरिद्वार को 6-0 से मात दिए हैं और फाइनल का टिकट कटवा लिए हैं। फाइनल में इनका सामना इन होगा चंपावत की टीम से। मैं दोनों ही टीम को बधाई देता हूँ क्योंकि बहुत ही कड़े संघर्ष करके ये लोग फाइनल का टिकट कटवाए हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा दोस्त। सर मेरा नाम है निशांत उनियाल। उनियाल जी, आप कितने साल से हॉकी खेलते हैं? सर 2 साल हो रही। केवल 2 साल हुआ है जी सर।
और इससे पहले कभी इस स्टेडियम में आना होता आपका? जी सर, ट्रायल आते रहते हैं, और सर पिछली बार भी आए हम थे, पिछली बार हम 12th प्लेस आए थे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया खेले हो, और आज का मैच देख के तो मजा ही आ गया कि एक तरफा मैच था और वो था देहरादून और हरिद्वार के बीच में। हरिद्वार को आपने 6-0 से मात दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बाबू? सर मैं पढ़ता हूँ 11th। आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, और 11th पढ़ने के बाद भी आप हॉकी में टाइम दे रहे हैं? जी सर। अच्छा लग रहा है। जी सर। आप जैसे बच्चों ही आगे चल के अपने प्रदेश का या अपने देश का नाम रोशन करते हैं। जी सर। आप लोगों के हाथ में यह हॉकी स्टिक देख के मुझे बहुत आनंद लगता है, बहुत ही मजा आता है। यहाँ पे अक्सर लोग अपने बच्चों को क्रिकेट में आगे बढ़ाने की सोचते हैं, और आप लोग ये हॉकी स्टिक थामे हॉकी के गेम में अपना देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी सर। बहुत अच्छी पहल है ये। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ाई के साथ गेम में भी आगे बढ़े। जी सर। यदि मैं आपसे एक असमंजस भरा क्वेश्चन पूछूं कि पढ़ाई और गेम में से पहला पसंद क्या है आपका? गेम। पहला पसंद आपका गेम है, आप गेम में ही करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात है। गेम में, ये गेम खेलने से और क्या शिक्षा मिलती है? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को गेम में रुचि होने के बाद भी रोकते हैं या पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, उसके लिए, उनके लिए ये शिक्षा मिले, क्या शिक्षा मिलती है गेम से? सर जी, अपना फिजिकल फिट है, तो और सर 12th के बाद हम आर्मी और ऐसी भर्तियां देते रहते हैं। जी सर। बहुत खूब, मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन्याल जी। थैंक यू। आप ऐसे ही पढ़ाई के साथ गेम में भी आगे बढ़े और अपने पेरेंट्स के साथ अपने जिला का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू मेरे से बात करने के लिए। दोस्तों, मेरे सामने ये एक और बच्चा मौजूद है जो अपने टीम से खेलते हैं, और वो टीम है देहरादून का। नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। पंकज भाई, आप कितने साल से हॉकी खेलते हैं? मेरे को अभी 9 महीने हुए बस। कुल 9 महीने, और आपने प्रदेश स्तर के गेम में फाइनल तक पहुंचा दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने हरिद्वार को मात दिए हैं 6-0 से रिजल्ट में, आपका कोई योगदान है? नो सर, सर हमारी टीम, पूरी टीम का योगदान है। पूरे टीम मिलजुल के टीम स्प्रिट के साथ खेले और फाइनल में पहुंचे हैं। तो आप पढ़ाई के साथ हॉकी खेलते हैं? जी सर। पढ़ाई में आप कौन से क्लास में हैं अभी? सर 9th। आप 9th में हैं और गेम भी खेलते हैं? यस सर। तो ये स्टेडियम में जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं, कितना दूर होता है वो स्टेडियम? सर हमारा स्कूल ग्राउंड है। अच्छा, स्कूल में ही खेलते हैं। आप अपने प्रशिक्षक यानी कि कोच का नाम बता सकते हैं? सर श्री ब्रजेश नेगी। ब्रजेश नेगी जी आपके कोच हैं। नेगी जी, यदि आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि ये बच्चे आपका नाम रोशन कर रहे हैं और फाइनल में पहुंच गए हैं। उम्मीद है फाइनल में भी ये ट्रॉफी उठा के आपके सामने आपसे आशीर्वाद लेने जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे से बात करने के लिए। दोस्तों, इस अंडर 16 बॉयज चैंपियन जो चल रहा है यहाँ पे, उसमें यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये सबसे नन्हे खिलाड़ी में से एक हैं और बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। इनका गेम मैंने मैदान पे देखा है, बहुत ही अच्छा बॉल पास देते हैं ये, और गोल करने के लिए 2-3 अटैक इनके ऐसे थे जो देखते ही बने। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी गेम खेलते हैं ये। आइए जानते हैं इनका नाम। आपका नाम क्या है दोस्त? विराज रावत। रावत जी, आप कितने साल से खेलते हैं हॉकी? 1.5 साल। कुल 1.5 साल से। और रहते कहाँ हैं आप? देहरादून। देहरादून ही। और यहाँ पे पहली बार आना हुआ आपका? जी सर। कैसा लग रहा है रुद्रपुर का शहर, ये बताओ पहले आप। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, यहाँ से लोकल लोगों से प्यार मिल रहा है आपको? यस सर। आप आगे चल के पढ़ाई या स्पोर्ट्स, दोनों में से क्या चुनेंगे? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपका पहला पसंद है, इसी में नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? यस सर। आपका पसंदीदा हॉकी प्लेयर्स क्या है, कौन है? हरमनप्रीत। हरमनप्रीत आपकी पसंदीदा हॉकी प्लेयर है, आप उन्हीं की तरह अपने देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं? यस सर। आपके मम्मी पापा आपको खेलने के लिए पूरी आजादी देते हैं? यस सर। कभी टोकते नहीं कि खेलना नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं। चलिए, बिग थैंक्स टू योर पेरेंट्स डियर। दोस्तों, मेरे सामने एक और चैंपियन बच्चे मौजूद हैं जो हॉकी स्टिक लिए खड़े हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं उनका नाम और परिचय। दोस्त, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, आप कितने साल से हॉकी खेलते हैं? 2 साल से। आप ये बताओ कि, तो
राष्ट्रीय गेम भारत का क्या है यदि मैं पूछना चाहूँ? हॉकी। और आप राष्ट्रीय गेम ही खेलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में हैं आप? नाइन्थ में। और पढ़ाई लिखाई कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है? स्कूल में होती है, अच्छी है। कहाँ? देहरादून में ही? देहरादून। आप अपना स्कूल का नाम बताएं। जी ऐसी किशनपुर में पढ़ते हैं। कितने साल से हॉकी खेलते हैं आप? 2 साल से। और ये रुद्रपुर में आपका पहले बार आना हुआ जी। और यहाँ से क्या इरादा है? ट्रॉफी जीत के जाना है या ट्रॉफी चंपावत को देके जाना है? जीत के जाना है पूरे जोश के साथ। वेरी गुड यार, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का सफर आपने जैसे तय किए हैं, आगे का सफर भी यानी कि फाइनल मुकाबला भी आप यहाँ से जीत के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। दोस्तों एक और चैंपियन बॉयज मेरे सामने खड़े हैं और वो हॉकी स्टिक लेके खड़े हैं। मैं आई हूँ, उनसे भी आपका परिचय कराता हूँ। दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल जी आप कितने साल से हॉकी खेलते हैं? मेरे को 1 साल हुआ हॉकी खेलते हैं अभी। और ये पहली बार आना हुआ रुद्रपुर के स्टेडियम में? दूसरी बार है। आज आप सेमीफाइनल में एक तरफा मुकाबला कर दिए थे और वो रिजल्ट आखिर रिजल्ट रहा 6-0 का। तो दोस्तों इनका टीम 6-0 से जैसे कि मैंने पहले बताया था सेमीफाइनल में माप दे चुके हैं हरिद्वार को और टिकट कटवा चुके हैं फाइनल का। तो फाइनल में पहुंच कर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फाइनल में आप पहुंच गए, अपने पेरेंट्स को अभी तक बता पाए हैं? पेरेंट्स को पहले बता रखा था कि 2 मैच जीत चुके हैं, पेरेंट्स बधाई दे रहे थे वैसे तो बोले था फाइनल भी जीत के आना। दीदी ने बोल रखा कि फाइनल भी जीत के आना। दीदी बोल रही थी कि फाइनल जीत के आएगा तो ट्रॉफी खिलाऊंगी तुझे, ये बोल रही थी। बहुत ऐसी बोल रही थी। दीदी ने बोला था कि स्टिक दिलाऊंगी तेरे को तो जीत के आएगा। तो वाह वाह वाह, मजा आ गया। भगवान करे ऐसी दीदी सभी को जो अपने भाई पे इतना गर्व करे और इतना घर बैठ के प्रोत्साहित करे। यदि आपने दीदी का जिगर छेरी दिया है तो मेरे तरफ से आपकी दीदी को सैल्यूट है। वो मैं चाहता हूँ, और यदि वो इस ब्लॉग को देख रही हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अपने भाई को इनकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका भाई नेशनल तो क्या इंटरनेशनल टीम में जगह बनाएंगे। आप जैसी दीदी भगवान सभी को दें। जब दीदी ने इतना प्रोत्साहित कर ही दिए तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे आपसे अपनी दीदी का नाम भी पूछना चाहूंगा। मेरी दीदी का नाम है सुमन। सुमन बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपने भाई को आप उत्साहित करते रहें और स्टिक दिलाएं ना दिलाएं, मैं चाहता हूं आपका भाई यहां से चैंपियन बन के जाए। और चैंपियन भाई का स्वागत एक चैंपियन की तरह ही करना, स्टिक भले ही मत दिलाना, ढोल नगाड़े के साथ अपने भाई को प्रोत्साहित करना फाइनल जीतने के लिए। धन्यवाद दोस्त मेरे से बात करने के लिए आपका। दोस्तों मेरे सामने दो बच्चे और खड़े हैं जो यहाँ पे आज बहुत बढ़िया खेल का मुजाहरा दिखाए हैं और इन्हीं की बदौलत इनकी टीम 6-0 से मैच सेमीफाइनल का जीते हैं और फाइनल का टिकट अब इनके हाथ में है। मैं आइए इनसे भी परिचय करवाता हूँ आपकी। दोस्त आपका नाम क्या है? योगेश चौहान। चौहान जी आज 6-0 से मैच जीते हैं, बहुत बहुत बधाई आपके। दोस्तों अब मेरे सामने एक और प्लेयर मौजूद हैं जो फाइनल में खेलने के लिए बेताब हो रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे उनका नाम परिचय। दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य आप देहरादून से खेलते हैं? यस सर। और आपकी टीम ने फाइनल में पहुंच गया है, 6-0 से मात दिया हरिद्वार को, कैसे लगता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। और यहाँ पे आप आए हैं पहली बार गेम खेलने के लिए? सर दूसरी बार आए। आज क्या उम्मीद है, फाइनल में आप टक्कर दे पाएंगे चंपावत को? यस सर। और आपके पसंदीदा हॉकी प्लेयर कौन है? सर विजेश नेगी। विजेश नेगी जी आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। आप पढ़ाई कौन से क्लास में करते हैं अभी? सर सेवेंथ। मम्मी पापा की तरफ से पूरी आजादी है गेम खेलने के लिए? यस सर। बहुत खूब, मेरे तरफ से आपके मम्मी पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने बच्चे को घर से दूर अकेले कोच के सहारे भेजे हुए हैं स्टेडियम में गेम खेलने के लिए। क्या आपने अपनी मम्मी पापा को ये खुशखबरी दे दिया कि आप फाइनल में पहुंच गए हैं? यस सर। फोन से बात हो गई आपके मम्मी पापा से? यस सर। क्या कह रहे थे आपकी मम्मी पापा, का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी पापा बहुत खुश थे सर, बोलते सर फर्स्ट की ट्रॉफी जीत के आना। बहुत खूब बहुत खूब, सैल्यूट है आपके पेरेंट्स को भी जो आपको इनकरेज करते हैं कि पढ़ाई के साथ गेम में भी आगे बढ़ो। धन्यवाद है मेरे तरफ से। यदि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे ही आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ गेम में भी आगे रखे, मैं यही चाहता हूँ। दोस्तों इसी अपडेट के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज जो 3 बजे से यहाँ पे स्टेडियम में फाइनल मुकाबला होगा, उस मुकाबले में आमने सामने होंगे चंपावत और देहरादून की टीम।
दोनों ही टीम फाइनल का टिकट कटवा लिए हैं और शाम के 3 बजे यहाँ से फाइनल मुकाबला आज स्टार्ट होना है। देखते हैं जीत का सेहरा बनता है और कौन मरहूम रह जाते हैं इस फाइनल की ट्रॉफी उठाने के लिए। दोनों ही टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई फाइनल की टिकट कटवाने के लिए। फाइनल तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई सारे मैच खेल के ये फाइनल तक पहुंचते हैं और अच्छी अच्छी टीम को ये मात दे के फाइनल तक का टिकट कटाए हैं। इसलिए इन दोनों ही टीम को दोस्तों बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो दोस्तों इस ब्लॉग को यानी कि इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग का हिस्सा अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर कहीं और किसी और लोकेशन पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।